तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की कार्य समिति की भी बड़ी बैठक होनी है। रायपुर में 10 जुलाई को ये बैठक होगी। नगरीय निकाय चुनाव पर मंथन होना है। बीजेपी के पदाधिकारियों को संदेश मिल चुका है। 2000 से ज्यादा पदाधिकारी शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन इसमें मौजूद रहेंगे। निकाय और पंचायत चुनावों पर मंथन होगा। आगामी चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए टास्क तय किए जाएंगे, टास्क दिए जाएंगे कार्यकर्ताओं को। संगठन की आगामी कार्य योजनाओं पर भी चर्चा होनी है। आपको बता दें कि ये भारतीय जनता पार्टी की जो बैठक है छत्तीसगढ़ में कार्य समिति की, और इन दोनों ही बड़ी बैठकों पर बात करेंगे हमारी सहयोगी तनु वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। तनु, पहले कांग्रेस की इस बैठक की बात करें जो कि 2 दिन तक चलनी है, भूपेश बघेल सरीखे और भी नेता शामिल होने वाले हैं, ये मुद्दा क्या रहने वाला है इसका? जी बिल्कुल, देखिए विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में बड़ी हार के बाद कांग्रेस में लगातार बैठकों का दौर जो है वो चल रहा है, और हाल ही में समीक्षा बैठक ली गई जहां पर हार की वजहों पर जो है वो चर्चा की गई, जिसके बाद अब 2 दिनों तक कांग्रेस में फिर मैराथन बैठक है वो देखने को मिलेगी। आज से बैठकों का दौर जो है फिर वो जारी रहेगा, और इस 2 दिन के बैठे में कई अहम मुद्दों पर माना जा रही कि चर्चा जो है वो हो सकती है, क्योंकि हाल ही में नगरीय निकाय चुनाव है, ऐसे में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर यहाँ पर चर्चा हो सकती है। साथ ही संगठन को कैसे मजबूत किया जाए इस पर भी चर्चा होगी, और आज की इस बैठक में पीसीसी चीफ दीपक बैज, भूपेश बघेल समेत तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो शामिल होंगे, और इसके अलावा जो है जिला अध्यक्षों को भी आज की इस बैठक में बुलाया गया है। ऐसे में जिला अध्यक्षों के परफॉर्मेंस पर भी जो है वो चर्चा की जाएगी, और उसके बाद आगामी रणनीति जो है वो तैयार की जाएगी। साथ ही रायपुर के दक्षिण विधानसभा सीट में उपचुनाव को लेकर भी आज की कल जो है वो चर्चा होनी है। 10 जुलाई को उपचुनाव को लेकर जो है वो चर्चा की जाएगी। तो कुल मिलाकर नगरीय निकाय चुनाव से पहले संगठन में कई पद जो है वो रिक्त है, जैसे प्रदेश महामंत्री, सचिव, जिला अध्यक्षों की जो है नियुक्ति की जानी। ऐसे में कहा जा रहा है कि नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव से पहले इन पदों पर नियुक्ति हो जाए, और इससे पहले ही संगठन को मजबूत करने का काम भी जो है पार्टी कर ले। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर 2 दिनों की बैठक जो है वो रखी गई है, और इन तमाम मुद्दों पर जो है चर्चा की जाएगी। आगे की रणनीति कांग्रेस में तैयार की जाएगी, साथ ही आगामी कार्य योजना भी पूरी तरह से तैयार की जाएगी, और किस तरह से नगरीय निकाय चुनाव और उपचुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहे इस पर भी जो है वो चर्चा की जाएगी। जी, लेकिन बीजेपी की भी बैठक होनी है तनु, जो कार्य समिति की बड़ी बैठक हो रही है, कल ये बैठक होनी है जिसमें कई बड़े नेताओं के आने की संभावना है। कार्य समिति क्या तय करने वाली, नगर निकाय चुनाव का भी विषय रह सकता है इसमें? जी बिल्कुल, देखिए कल बीजेपी में भी कार्य समिति की बैठक होनी है, जिसमें प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी जो है वो शामिल होंगे, और तमाम कार्यकर्ताओं और नेताओं के भी शामिल जो है कल के इस बैठक में होंगे। इस बैठक में भी मेन मुद्दा नगरीय निकाय चुनाव रहेगा, क्योंकि कुछ माह बाद ही नगरीय निकाय चुनाव आने वाले, और ऐसे में जिस तरह से विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भाजपा का एक बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, ठीक उसी तरह से बेहतर परफॉर्मेंस नगरीय निकाय चुनाव में रहे इसको लेकर तैयारी की जाएगी। आगामी रणनीतियां बीजेपी में भी तैयारी की जाएगी, साथ ही जो केंद्र की योजनाएं हैं उनको कैसे जनता तक पहुंचाया जाए, लोगों से कैसे कनेक्ट किया जाए, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, और किस तरह से जैसे जैसे इन योजना जो है लोगों तक पहुंच रही है, योजनाओं का क्रियान्वयन किस तरह से क्षेत्र में हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर वहां पर चर्चा की जाएगी, जिससे आगे नगरीय निकाय चुनाव में जिस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी का रहा है, ठीक उसी तरह से नगरीय निकाय चुनाव में भी बेहतर परफॉर्मेंस बीजेपी का रहे। जी बिल्कुल, स्वाभाविक है। बहुत शुक्रिया आपका तनु, इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, और आगे डिटेल्स लेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल। और रायपुर में आज से कांग्रेस की 2 दिन की मैराथन बैठक होनी है, आज और कल ये बैठक होनी है। दरअसल इस बैठक के बारे में